हेलो एवरी वन वेलकम टू आई जी दिस इज अफर एंड टुडे आई एम प्रेजेंटिंग लेक्चर नंबर अलेवंथ ऑफ योर टॉपिक दैट्स टेंसेस क्लियर तो आज से हम लोग टेंसिस को एक फ्रेश और एक बेसिक फॉर्म में शुरू करने वाले हैं तो इससे पहले हमने टेंसेस का जो बेसिक्स है ना यू विल से सर टेंसेस का बेसिक्स मतलब क्या मतलब टेंसिस कैसे बनता है उसके लिए हमारे पास लाइक सेंटेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है हमने ऑलरेडी उस पर लेक्चर दो दो लेक्चर बना दिए हैं क्लियर टेंसिस में नोन क्या होता है प्र क्या होता है यानी सिंपल बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके हमने ऑलरेडी उस पर लेक्चर सात सात आठ आठ लेक्चर बना दिए हैं क्लियर और अल्फ़ाबेट और दैट्स योर लेटर में क्या फ़र्क है तो हमने भी ऑलरेडी उस पर लेक्चर इतने सारे बना दिए हैं आई होप कि उसमें आपको कोई अभी टेंशन नहीं होगी आई होप आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं आपने पहले वो सब चीज़ें एज योर बेसिक्स पढ़ी हुई होंगी क्लियर मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूँ कि आपको डायरेक्ट सीधा टेंसेस पे लेके आऊँ उससे क्या होगा लाइक like आप लोग ना लाइक कन्फ्यूज़ होंगे और हमारे लेक्चर को बार बार देखेंगे आर यू गेटिंग में उससे क्या होगा उससे सिंपल सिंपल सी बात है उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और समझ समझ आपको जीरो होगी नो आइडिया क्लियर बिल्कुल नहीं होगी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगी क्लियर ये चीज जो ऐसी यू you नो know, एक किस्म की लाइक like, वो वेन यू आर नॉट गेटिंग एनी थिंग एंड यू आर वॉचिंग द लेक्चर अगेन एंड अगेन एंड अगेन और उस चीज से क्या होगा कि वीडियो या लेक्चर बनाने वाले का तो चलो फ़ायदा है बट स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हम लोग हमारा लोगों का मिशन क्या है कि हम लोग ना लाइक like स्टूडेंट्स को क्योंकि हमारे पूरे चैनल का मिशन यही है हम लोग स्टूडेंट को बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस में आएँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि टेंसिस एक एडवांस चीज़ है आई समझ टेंसिस एक एडवांस टॉपिक है तो स्टूडेंट्स अगर आपने टेंसिस पढ़ने से पहले आपका बेसिक्स ठीक नहीं करा है लाइक like आपने आपको पता नहीं है सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है तो मुझे लगता है आपको पहले वो लेक्चर अच्छे से देख लेने चाहिए चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की अब एक छोटा सा यहां पे रिकॉल लेते हैं पूरे चैप्टर को ना लाइक रिकॉल नहीं कह सकते बेसिक पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्चुअल अक्ष, में टेंसेस है क्या देखो टेंसेस का मतलब होता है कोई भी टाइम कोई भी जमाना चाहे वो गुजरा हुआ जमाना होगा आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं लाइक like, पास्ट में आप लोग क्या काम क्या स्टडी करते थे ग्रेजुएशन में आप लोग क्या पढ़ते थे इफ़ यू आर देर इन क्लास ट्वेल्थ या मास्टर्स में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था अगर हम बोलें कि सर उस टाइम पे तो हमने चलो जो भी पढ़ लिया लीव इट अब अभी हम कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते यानी अभी की बात बोली तो बड़ा दिल खुश कर दिया आपने जो आपने प्रेजेंट बोल दिया क्लियर लेकिन अब आने वाले समय के बारे में सोचना है कि कौन सा एग्जाम हमने पास करना है तो मतलब मतलब फ्यूचर क्लियर चलिए अब यहां पे बाकी स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन एक राइटिंग के लिहाज से एक स्पेलिंग आपको बड़ा कन्फ्यूज करेगा तो वो है फ्यूचर काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्यूचर की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है इसका मीनिंग होता है नेचर करेक्टर फ्यूचर यह और चीज़ है तो फ्यूचर को आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के बेस पे निमोनिक्स के ट्रिक बेस पे भी कि फ्यूचर मतलब फुट्टू और आगे आप रे लगा दो यानी फुट्टू रे ओके ना तो ये चीज़ एक थोड़ा सा है फनी टाइप का भी है लेकिन आपको याद हो जाएगा अच्छे से क्लियर चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैंने ये लिखा कि टेंस क्या करते हैं ना टाइम को शो करते हैं इंडिकेट करते हैं इंडिकेट क्या होता है इंडिकेटर शो करने वाला क्या समय में किस समय में कौन सा काम हुआ है चाहे वो पुराना टाइम हो चाहे वो अभी का टाइम हो या चाहे हमारा मुस्तकबल हो यानी आने वाला हो क्लियर हम इसको बोलते हैं जमाना माजी इसको बोलते हैं जमाना हाल और इसको बोलते हैं जमाना मुस्तकबल क्लियर यानी आने वाला समय अभी चल रहा और गुजरा हुआ समय चलिए अब हम क्या करते हैं कि लाइक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों पढ़ते हैं हम इनको तो इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बोथ रिटर्न एज वेल एज स्पीकिंग इंग्लिश में और उसके लिए आपको ग्रामर का रूल कैसे ठीक होता है तो आपके लिए टेंसेज आने जरूरी है और जहां तक मेरा दावा है बींग एन एम इंग्लिश मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश बोलनी है या समझनी है वट एवर यू वाट डू इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट इंग्लिश की वेटेज जो है वो कवर होती है किससे अगर आपको 90 परसेंट अगर आपको टेंसेज आते हैं मतलब आपको 90 परसेंट इंग्लिश आती है ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ क्लियर ओके okay. चलिए तो ये तीन टाइप का होता है तो सबसे पहला आपका वही जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं हर एक को तो स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर के लिए आपको माइंड में क्या चीज़ याद रखनी है कि सर स्ट्रक्चर के लिए पहले एक सिंपल सेंटेंस आपको मिलेगा वो क्या है सिंपल अगर आपको कोई बोले जी प्रेजेंट सिंपल तो मतलब मतलब ऐसा काम जो यूजुअली आप करते हैं या करते थे या करते होंगे मतलब मतलब मैंने बोला आप खाना खाते हैं लेकिन इसको ना हम एक और वर्ड से डिफाइन भी करते हैं दैट इज इनडेफिनेट नाउ व्हाट इज दिस इनडेफिनेट का मतलब होता है जो काम डेफिनेटली ना बताया गया हो क्या जी मैंने फलान टाइम पे मैंने बारह बज के पांच मिनट और दस सेकंड पे ही खाना खाना है तो मतलब ये तो डेफिनेट हुआ तो मतलब वो चीज़ जो डेफिनेट नहीं है आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं आप किस टाइम जाते हो कोई पता नहीं आपने कहा मैं मार्केट जाता हूं आपने कहा मैं मार्केट जाता था किस टाइम जाते थे कोई स्पेसिफिक टाइम था तो नहीं हम इसे बोलेंगे सिंपल या इनडेफिनेट फिर आपने बोला मैं मार्केट जाऊंगा लेकिन कल दस बज के पाँच मिनट पर या किस टाइम जाऊंगा वी आर नॉट श्योर अबाउट इट तो मतलब व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम इट मींस इट्स इनडेफिनेट ओके okay ना सो so, इनडेफीट के भी लोग स्पेलिंग गड़बड़ करते हैं तो इसको अपने माइंड में रखना है इनडेफीट होता है आई टी ई -E. क्लियर चलिए उसके बाद कॉन्टिन्यूज में क्या है कि आप लगातार कोई काम करते जा रहे हैं मान लेते हैं आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट मैं मार्केट जा रहा हूं इस टाइम अभी जा रहे हो बात करते वक्त भी जा रहे हो या मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं अभी बात करते करते मैं पढ़ा रहा हूं मतलब अगर मैं मैं बोलूँगा मैं पढ़ाता हूँ आई टीच तो मतलब किस टाइम पढ़ाता हूँ मैं श्योर नहीं हूँ मैंने कहा मैं पढ़ा पढ़ा रहा हूँ तो मतलब अभी की बात है अगर कल की बात होती मैं कहता आई वॉज गोइंग टू मार्केट या आने वाले समय की बात होती मैं कहता इसको आप इरेज कर लें आई विल बी गोइंग टू मार्केट क्लियर चलिए उसके बाद परफेक्ट है यानी काम हो चुका है तो मतलब आई हैव gone टू मार्केट मैं मार्केट जा चुका हूँ आर यू गेटिंग मी जैसे मैं कहूँगा कि मैं टेंसेस का बेसिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ मैंने कहा आई हैड गोन टू मार्केट मैं मार्केट जा चुका था और लास्ट में मैंने बोला आई विल हैव gone टू मार्केट मैं मार्केट जा चुका हूँ यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूडे और यस्टरडे आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो दैट टूमारो एट टेन पी एम आई विल हैव to market. मैं मार्केट जा चुका हूँ अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया आप मार्केट किस टाइम जाओगे कल किस टाइम जाओगे 11 बजे अब लोगे नहीं 11 बजे तक तो मैं मार्केट जा चुका हूँ आर यू गेटिंग में यानी आई विल हैव गॉन टू मार्केट चलिए बहुत अच्छा अब एक चीज आपको समझनी है वरना ये जो सेंटेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब ये मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा क्या अगर आपको इस कॉन्टीन्यूज की समझ आ चुकी है प्लस परफेक्ट की समझ आ चुकी है तो मतलब आपके लिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ना बहुत ईजी है आर यू गेटिंग मी कैसे क्योंकि इसका पूरा ना लाइक नाम ही ऐसा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नो वट इज दिस मतलब ऐसा काम जो आपने कल 10 बजे शुरू करा था लेकिन अभी तक वो काम आप पढ़ रहे हो कर रहे हो कोई भी समय किसी समय आपने स्टार्ट करा तो अभी तक उस काम को आप लगातार करते जा रहे हो तो मतलब मतलब ऐसा एक्शन जो एंड नहीं हुआ और एंड होता तो वो परफेक्ट हो जाता आर यू गेटिंग मी एंड नहीं है तभी तो वो कंटिन्यूज है चलिए देखते हैं मसला क्या है ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में और अभी चल रहा हो या, या अभी अभी फिनिश हुआ हो कैसे सेंटेंस पढ़ते हैं आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट मैं मार्केट जा चुका हुआ हूँगा। ना वट इज दिस यू विल से सर समझ नहीं इस चीज की आई मतलब आप कल से मार्केट जा रहे हैं आर यू गेटिंग I had बीन गोइंग टू market. मैं मार्केट मैं मार्केट जा चुका था यानी उस समय से यानी कि पिछले एक साल से अभी कुछ समय पहले की बात है तब तक आर यू गेटिंग मी मान लेते हैं 2023 से लेकर 2023 से लेकर दैट्स योर अगस्त 2024 तक आप मार्केट जा चुके थे इन तब से अब तक एक लंबा टेन्योर था लंबा काम था चलिए अब आगे देखते हैं आई विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट मैं मार्केट जा चुका हुआ होगा नाउ व्हाट इज दिस यानी आने वाले समय में 2023 नहीं बल्कि 2024 से 2027 तक आप मार्केट जा चुके हुए होंगे मतलब ऐसा काम स्टार्ट करोगे जो एंड होने का नाम ही नहीं लेगा चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर तो अब जिस टॉपिक पे हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं दैट इज योअर टेंस आई होप टेंसेस का बैकग्राउंड टेंसिस का बेसिक्स समझ आ गया होगा और अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ चुका है तो मतलब टेंसेस का हम कह सकते हैं फोर्टी परसेंट तो आपका काम यहीं हो गया अब बचा कितना सिक्सटी परसेंट जो हम वन बाई वन ट्वेंटी इसका ट्वेंटी उसका ट्वेंटी उसका करेंगे चलिए प्रेजेंट सिंपल नाउ व्हाट इज दिस इनडेफिनिट मतलब मतलब ऐसा काम जो आपने स्टार्ट तो करा लेकिन किस टाइम स्टार्ट करा किस टाइम खत्म किया वे आर नॉट श्योर अबाउट इट गेटिंग मी तभी तो हमने बोला कि डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं बल्कि इनडेफिनेट अब यूज कहां होगा आपकी कोई हैबिट आपकी कोई रूटीन का कोई काम या जर्नल ट्रुथ आपने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलता यानी अगर आपको मैं उर्दू हिंदी के लिहाज से लोकल जो हमारी जे के लैंग्वेज है उसके हिसाब से बताऊं ऐसा सेंटेंस लोकल हिंदी या उर्दू में बोलते वक्त जिसके एंड में ता है ती है ते है आता हो कैसे चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ लोगों को बड़ा लाइक ट्रेडिशनल कंसेप्ट लग रहा होगा ये कैसे हमने कहा मैं खाना खाता हूं लास्ट में क्या आता हूं वेदर यू आर राइटिंग दिस इन यूर हिंदी आ उर्दू वट एवर क्लियर बट एट द एंड इट विल बी द राइट वट इट मीन्स इट्स योर हैबिट दैट यू यू डू दिस

ये परमानेंट सिचुएशन या फिक्स अरेंजमेंट के लिए लगाएगा कैसे द सन राइज इन द गेटिंग मी द सन राइज इन द ईस्ट मतलब मतलब सन का ये काम है कि वो ईस्ट से ही राइज होता है चलिए अब फॉर्मेशन कैसे है सेंटेंस में क्या आएगा ये चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई विल नॉट लीड यू फ्रॉम रूल्स लेकिन मैं आपको सेंटेंस से रूल बनाना सिखा दूंगा गेटिंग मी मुझे चीज एक बताओ क्या आपको सब्जेक्ट आता है आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है आपको वर्ब आता है बिल्कुल पढ़ाया हुआ है सर आपने आपको ऑब्जेक्ट आता है हाँ बिल्कुल ये तीन चीज़ें तो हमें आती हैं तो मतलब आपको इस ट्वेंटी परसेंट का फिफ्टी परसेंट आ गया है यानी अगर ये बीस मार्क्स का होता तो दस मार्क्स आपके प्रजेंटेंस के अभी हो गए हैं अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता होगा एक सेंटेंस उठाते हैं ही प्लेज फुटबॉल मुझे बताओ अब आप बोलेंगे सर हमें तो क्लियर पता है प्लेज इसलिए लगा बिकॉज ही इज सिंगलर तो सिंगलर लगेगा ना सर ही प्ले फुटबॉल तो नहीं होगा अगर हम इसका रूल बनाएं बताओ कैसे बनाएंगे हम बोलेंगे ही मतलब सब्जेक्ट प्लस प्लेस मतलब वर्ब प्लस फुटबॉल मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है यानी सब्जेक्ट लगा प्लस वर्ब लगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा इतना सा ही तो है अब आप बोलेंगे कि सर सर हम ना लाइक इन ओवर ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम एस सी आई एस पे यूज़ करा करते थे बिल्कुल यूज़ करेंगे लेकिन वहां पे आप लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है आपके एजुकेटर ने कि एस सी आई एस का यूज़ तो होगा लेकिन कहाँ और उसकी क्लैरिटी देने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया चाहे वो कलेक्टिव नॉन हो या दैट्स योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो मैंने क्या कहा था मैंने कहा वर्ब के साथ सिंगलर तब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगलर होगा आर यू गेटिंग मी कैसे आई के साथ राइट right लगेगा राइट नहीं लगेगा क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है तो पर्सनस भी पढ़ाए हुए हैं यानी मैं ना आपको टेंसेस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं अब आपको मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में नाम क्या है इनका डिटेल तो पहले ही हो चुकी है अब अगर नेगेटिव सेंटेंस होता इसी तरीके का तो हम उसको कैसे लिखते है? हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाते प्लस डू या डज लगाते प्लस नॉट लगाते है. कैसे शी डज नॉट प्ले फुटबॉल मतलब शी भी है सब्जेक्ट भी है और डज नॉट आपको अलग से लगाना है क्यों क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको अब अगर क्वेश्चन में होता है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इससे डू डज को फर्स्ट पे ले आते ऐसे डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऐसे डज ही प्ले फुटबॉल क्या वो फुटबॉल खेलता है अब अगर डज की प्ले फुटबॉल इसमें अगर आपने नोटिस करा होगा तो इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेसन है तो मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया रूल क्या है रूल ये है कि डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट हम लगाएंगे और प्लस हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्लियर चलिए जी अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी पिछला जो सेंटेंस था प्रेजेंट इनडेफिनीट इसमें कोई टेंशन नहीं थी ऐसा काम जो लंबे समय से मतलब जिस टाइम भी आप करते हो आपकी एक ट्रुथ है आपकी एक हैबिट है लेकिन यहाँ पे हैबिट नहीं चलेगी यहाँ पे वो काम जो अभी चल रहा होगा आर यू गेटिंग मी जो अभी चल रहा है कैसे आपने कहा आई एम राइटिंग या मैं कहूँगा आई एम टीचिंग आप बोलेंगे सर आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ चलिए अब हम देखते हैं कैसे इसमें क्या होगा दे आर प्लेइंग सिंपल सेंटेंस है तो बोलेंगे सर दे आर प्लेइंग शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इज शी प्लेइंग फुटबॉल अब ये क्या है देखो यार जब हमने बोला सब्जेक्ट आपको पता है सर सब्जेक्ट होता है काम करने वाला प्लस इज एम आर ये तो आपको आते होंगे मैंने कराया भी है अगर आपको थोड़ा सा और भी आइडिया देता हूँ इज लगेगा आपका थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगलर के साथ ये हमारे परनोन में हो चुके हैं थर्ड पर्सन सिंगलर के साथ इस लगा उसके बाद एम किसके साथ लगेगा तो आपको पता तो है एम सिंपल अकेले आई के साथ लगेगा इसकी अपनी ही वैल्यू है उसके बाद फिर आर किसके साथ लगेगा? तो आर लगेगा उस टाइम जब ये क्या होगा तो आर लगेगा आपका प्लूरल के टाइम पे आर यू गेटिंग मी कौन सा प्लूरल आपका यू यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल आई वो आई के साथ नहीं लगेगा लेकिन वी के साथ भी लगेगा क्लियर आई के साथ क्या लगेगा तो आई के साथ बिल्कुल अभी एम लग गया है और पास्ट में वाज लगेगा आपके सिंगलर के साथ चाहे वो आई ही क्यों ना हो और वर लगेगा आपके पलूरल के साथ क्लियर ये चीजें आप अपने नोट्स में एड इन कर लें तो उसके बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें क्या है यूजेज क्या होगा वो एक्शन जो हो चुका हो अनस्पेसिफाइड टाइम किस टाइम हुआ हो नहीं बताया तो अब तो आइडिया हो गया होगा कि सर कॉन्टीन्यूज परफेक्ट कॉन्टीन्यूज क्या होगा जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो बिल्कुल चलिए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन बनता सेंटेंस कैसे बनता है देखो यार मैंने कहा वो काम आपने कर लिया है आपने ऑलरेडी आपकी लास्ट की क्लास पास कर चुके हैं आप क्या आप, आप दोबारा एडमिशन लेना चाहेंगे बिल्कुल नहीं आपने कहा शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क कुछ नोटिस करा आपने हैज लगा है अब बोलेंगे सर हैज तो लगा लेकिन कौन है ये हैज और इस हैज का हमारे सेंटेंस से क्या ताल्लुक है मैं आपको बता दूं अगर यहां पे हैज है तो मतलब मतलब सिंगलर के साथ ओके अगर यहां पे हैव होता तो मतलब आई प्लस प्लोरल के साथ ओके पलोरल यानी ओके ना या नेम्स हो गए सिंगलर ही शी इट दे ओके ना चलिए तो इसने बोला शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क यानी शी सब्जेक्ट है प्लस हैज है तो यहाँ पे हैव भी तो हो सकता था अगर यहाँ पे कुछ और दे होता या कुछ और होता प्लोरल में फिनिश्ड यानी फिनिश फिनिश्ड यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म है यानी सिंपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट तो लगेगा अब हम इसका रूल यहाँ पे क्या बना सकते हैं इसके अलावा रूल तो बड़ा अच्छा बनाया हमने इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं सब्जेक्ट लगा प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये सिंपल सा रूल है आप चाहें तो इस रूल को भी अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं क्लियर अब अगर इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएं तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क अब सिंपल तो है

इसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं जो ये हेल्पिंग ओगजिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है इसको फर्स्ट पे और उसके बाद सेंटेंस यानी यहां पे क्या बोला मैंने कहा सर आपने बोला हैज हैव प्लस आपने बोला सब्जेक्ट प्लस आपने बोला पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो व्हाट इज दिस मतलब ऐसा समय जो शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है आर यू गेटिंग मी आपने तीन दिन पहले कोई काम करा था आप अब तक वो काम कर रहे हैं हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी लगभग दस पंद्रह दिन पहले तो स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट तो मतलब ये हमारे लिए आई स्टिल वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर चलिए जी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर आवर्स यानी मैं लंबे समय के लिए इस बुक को पढ़े आ रहा हूँ इस बुक को लंबे समय से पढ़ते आ रहा हूँ अब इसका रूल क्या बनेगा बिल्कुल वही आपने अपनी तरफ से रूल बनाना है सेंटेंस की हेल्प से बनाना है रूल की हेल्प से सेंटेंस नहीं बनाना कैसे हमने कहा सर सब्जेक्ट तो है हमने कहा सर हैज भी है हमने कहा सर है भी है तो क्यों ना बीन भी लगा दें और क्यों ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक चीज जो आपको एग्जाम में आएगी वो है आपका सिंस फॉर अपनी चीज़ नोटिस करी होगी कि सर यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया फॉर अभी फॉर क्यों आया इस फॉर में और सिंस में क्या लेना देना है इस पे हमने ऑलरेडी प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर दिया है फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ताकि आपको दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइज करने में हेल्प हो जाए मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा देखना सिंस लगेगा जब कोई काम पता नहीं है टाइम पीरियड नहीं दिया गया है आप अभी से अपने काम स्टार्ट करा लेकिन अभी कर रहे हो मी अभी तक वो काम कर रहे हो लेकिन जब यहाँ पे मैंने बोला फॉर, सिर्फ आपने काम तो स्टार्ट करा लेकिन सिर्फ टू आवर्स के लिए सिर्फ दो घंटे के लिए सिर्फ दस घंटे के लिए यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने टाइम वहां पर ख़त्म कर दिया है आर यू गेटिंग मी आपने कहा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर आवर्स मतलब डेज नहीं मतलब योर्स नहीं लेकिन सिर्फ घंटों के लिए तो मतलब फॉर का यूज हुआ तो अब हम एक चीज तो समझ गए कि सर पास्ट दैट्स योर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा मतलब ऐसा काम जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ लेकिन स्टिल चल रहा है या अभी अभी फिनिश हुआ हो या कुछ टाइम दिया गया हो कि उस टाइम में फिनिश करेंगे चलिए कैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर आवर्स नेगेटिव में क्या बनेगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर आवर्स ये यहां पे इसकी एग्जाम्पल है शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग वेल वेलिडली अब एग्जाम में डायरेक्ट तो टेंसिस नहीं आते ये आपको भी पता है मुझे भी पता है एर डिडेक्शन में आपको ये टाइप जरूर पूछी जा सकती है शी नॉट हैज बीन रीडिंग शी नॉट हैज बीन स्लीपिंग मुझे बताओ इसमें ठीक कौन सा होगा शी नॉट हैज़ बीन शी हैज़ बीन शी हैज़ बीन नॉट शी हैज़ नॉट बीन या शी नॉट नॉट बीन तो ज़ाहिर सी बात है शी हैज़ नॉट बीन वाला ठीक होगा आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे तो एक आपको ठीक होगा तो वो आपने यहां से पिकअप करना है आर यू गैटिंग यू डोंट हैव टू मग अप यू डोंट हैव टू यू नो मेमोराइज ऑल द रूल्स बट इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट इज आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन आनी चाहिए क्लियर चलिए जी तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था छोटा सा नहीं कहूँगा बट बहुत डिटेल था लेकिन आ, विद ऑल योर प्रेयर्स एंड ऑल योर सपोर्ट हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया तो मुझे लगता है कि दोबारा जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आपको बिल्कुल कप ऑफ टी लगती होंगी क्लियर बहुत ईजी लगती होंगी चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर फॉर लिसनिंग द लेक्चर आई होप आपको ट्रेडिशनल जो ये फ्यर था जो ये फोबिया बना हुआ था कि सर टेंसिस से क्वेश्चन बहुत खराब होते हैं एग्जाम में तो अब उम्मीद लगती है कि थोड़ा बहुत मेरे इस पढ़ाने से हेल्प हो रही होगी क्लियर तो ये कुछ क्वेश्चन हैं अगर हेल्प हो रही है तो आप मुझे इनका आंसर दें क्लियर तो ये एस एस सी सी जी एल के क्वेश्चन हैंज आर नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम जेके डायरेक्टली यानी कि इस लेवल का अगर आपने पढ़ लिया है यानी सी लेवल का अगर आप अटैप्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स जेके एस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक क्लियर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है शी यूजुअली आपने बोला सर आपने तो पहले ही पढ़ाया था गो तो होगा ही नहीं तो क्या होगा आप मुझे कंसेप्ट में बता दें कमेंट बॉक्स में सॉरी उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म शी नॉट लाइक टू स्विम इन द कोल्ड वाटर शी डज नॉट लाइक शी डो नॉट लाइक शी डिड नॉट लाइक शी नॉट लाइक क्या ठीक होगा इसमें और ये ट्वेंटी नाइनटीन के, के मेन्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन है, है, है वो मुझे बताना है आप चाहें तो सीजीएल को पेपर ट्वेंटी uh, एटीन के ऑल शिफ्ट में ढूंढ सकते हैं कौन से शिफ्ट का है ये क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट है प्ले फुटबॉल्स ऑन वीकेंड दे प्ले फुटबॉल्स ऑन वीकेंड्स इसमें कौन सा ठीक होगा आप मुझे बताएंगे कि सर दे के साथ प्लेज लगेगा या प्ले लगेगा या प्लेड लगेगा या प्लेइंग लगेगा इसका आप मुझे ज़रूर बताएंगे और ये थोड़ा सा मैं कहूँगा क्योंकि ये मेंस नहीं बल्कि प्री का है तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है दो ऑप्शन में आप बहुत कन्फ्यूज होने वाले हैं चलिए कमेंट सेक्शन में बात करते हैं इस पर नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी है द ट्रेन लीव एट सिक्स पी एम एवरीडे मतलब डेली की बात है यार लीव तो नहीं होगा तो क्या होगा ये मेंस का क्वेश्चन है यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्लियर चलिए तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स तो ये हमारे कोर्सेज अभी लाइव पे हैं अगर आप लोग उन्हें नहीं अभी तक ज्वाइन करें तो आप लोग डिटेल में जिस तरह का मैंने आपको यहाँ पे कॉम्प्रीहसिव वे में टेंसिस एक जोक नहीं है टेंसिस एक ईजी कंसेप्ट नहीं है मैंने आपको क्या कहा टेंसिस अगर आपको नाइन्टी परसेंट टेंसिस आते हैं मतलब आपको नाइन्टी परसेंट इंग्लिश आती है क्लियर चलिए जी तो उसके बाद जे के हाईकोर्ट जिसमें इंग्लिश की वेटेज थर्टी मार्क्स से की है और बाकी भी जो जी के सब्जेक्ट हैं अगर आप जो मैंने आपको ज़ीरो से हीरो बना दिया है इस तरह के बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे एज वेल एज़ आपको जी के फ्री के कुछ नोट्स भी अवेलेबल हैं आप वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए थैंक यू सो मच